आप देख रहे हैं वायरल खबर है। दोस्तों आज हम लोग वडारी पाड़ा धुंजीवाड़ी में आए हुए हैं और यहाँ पर मनोज अलोडकर को जो पद मिला है उसके अनुसार उन्होंने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप रखा है, जबकि देखा जाए तो इसके पहले उन्होंने बहुत सारे समाज सेवा का कार्य किया है और यहाँ पर अभी आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए और आज यहाँ पर मेडिकल का कार्यक्रम किया। आइए जानते हैं मनोज अलोडकर जी के बारे में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम मनोज लक्ष्मण अलोडकर, यहाँ का उपशाखा प्रमुख हूँ। हालांकि मेरा भाई इससे पहले यहाँ का उपशाखा प्रमुख था, स्वर्गीय जय गणेश लक्ष्मण अलोडकर। इनका पद मुझे दिया गया है, इसलिए उनके थ्रू से मैं ये सब काम चालू कर रहा हूँ। आगे से उनका जो भी काम है तो यहाँ से ये वार्ड से मैं चालू कर रहा हूँ और चालू करता रहूँगा। यहाँ पर कुछ दिन पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का किया गया तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे अभी तक जितने भी पार्टियों है उन्होंने यहाँ तक, जैसे कि अभी आयुष्मान कार्ड के लिए लोग यहाँ पे पैसा ले रहे थे तो हमने शाखे के थ्रू से हम लोगों को फ्री डाउनलोड करवाया गया। ये आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का निधि का है वो हम लोगों तक पहुँचा दिए फ्री डाउनलोड करके, वो उनके घर तक हमने उनको दिया हुआ है और प्लस वोटिंग कार्ड का वो भी कैंप किया है। अभी हमने देखा सुबह से यहाँ पर लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी थी, तो आपके अंदाज से कितने लोगों के यहाँ जो मेडिकल कार्यक्रम तक कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया? अब तक तो कुछ 150 लोगों का हुआ है, बट आई डोंट नो अभी इसके आगे कितना। मनोज अलोडकर, हा मुलगा दोन वेळा आयुष्मान कार्ड लागलं, आता फुकटचं मोफत आपलं हे दवाखान्याचं आणलेलं आहे, सगळं काही करायला लागले, आता तपासणी करताना एक करतो आहे, तो असं चालू आहे। मनोज अलोडकर त्यांचे आम्ही लय आभारी आहे। त्यांनी आयुष्मान कार्ड केलं ना, लोकांनी तरी पैसे घेतले, त्यांनी पैसे नाही घेतले, त्याने दोन वेळा कामं केले पण लय चांगलं केलं। आता तपासणी पण केली आहे, ते पण आम्हाला लय चांगलं केलेलं आहे, त्यांचा लय आभार आहे। काय किती दिवस झाले, आज महिना दीड महिना पण नाही झाला, तरी त्यांनी एवढं काम चांगलं केलं। आज पुढे जर काम केलं आमचे ज्येष्ठ नागरिकांचं तर लय चांगलं होईल, आम्ही पूर्ण आशीर्वाद देणार, आम्हाला आराम पाहिजे, तेच म्हणणं आहे।